everyone. Now in this session, we are going to discuss about a very interesting topic and which is suitable for the current situation, which is nothing but the viruses. ठीक है? Now viruses means आपको क्या पता है वायरस के बारे में? Viruses बहुत interesting creature है. Viruses ऐसे creature है जो कि अगर host के body में है, किसी पे attack करते हैं. Host मतलब जिस पे attack करने वाले हैं. So, जिस पे अटैक करेंगे उसके बॉडी में अगर जाएगा तो लिविंग बिहेव करेगा, लिविंग हो जाएगा. और अगर वो बाहर एटमॉस्फेयर में रहेगा या उसको होस्ट नहीं मिला तो वो डेड जैसा बिहेव करेगा. सो व्हेन इट इज गेटिंग होस्ट तो वो क्या कर रहा है, लिविंग बिहेव करेगा. व्हेन इट इज नॉट गेटिंग होस्ट वो एट द सेम टाइम डेड बिहेव करेगा. वो नॉन सेल्यूलर होता है, इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड बहुत सारे डिसीज ह्यूमन बींग को, प्लांट्स को, लोअर ऑर्गेनिजम्स को कॉज करता है. लाइक जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बींग में बहुत सारे डिसीजेस वायरल डिसीजेस होते हैं, जैसे वायरल फीवर होता है. उसके बाद ये कोरोना है, रेबीज, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मम्स, रूबियोला, एड्स, एचआईवी जो होता है. सो ये वायरस ऐसा क्रिएचर है जिसमें बहुत ही ज्यादा, यू कैन से, इसका बहुत ही ज्यादा मिशेवियस बिहेवियर होता है. वायरस में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि उसको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं. और वायरसेस में उसके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जेनेटिक मटेरियल. उसके पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा है वो भी हम पढ़ेंगे. प्लांट एनिमल में अलग अलग होता है. उसके बाद यू कैन से इसके पास एक कैप्सिड है. कैप्सिड मतलब इसके पास एक स्वेटर भी है विच इज इन द फॉर्म ऑफ कैप्सिड और जो प्रोटीन से बना हुआ है. ठीक है? सो इसके पास एक प्रोटीन का कोट भी होता है और जेनेटिक मटेरियल भी होता है. वी सी दैट जेनेटिक मटेरियल प्लांट वायरस और एनिमल वायरसेस में कैसा होता है. सो जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए. तो जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, कभी भी दोनों नहीं होता है. आइदर वन ऑफ देम वुड बी अ जेनेटिक मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड एनिमल वायरसेस. बट इसके पास एक स्वेटर है विच इज मेडअप ऑफ प्रोटीन एंड उसको कैप्सिड बोला जाता है. विल सी दैट हमने कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे हम. सो ये दो तीन चीजें ही है इसके पास, फिर भी वायरसेस इतने स्ट्रांग है. विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस. नाउ हियर वी विल डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस. वायरसेस बेसिकली दे आर पॉइजनस इन नेचर. सो वायरस का मीनिंग होता है पॉइजन लैटिन लैंग्वेज में. सो वायरस मीन्स इट्स अ पॉइजनस इन इट्स अ पॉइजनस कंपोनेंट एंड दे हैव अ न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स दे हैव अ जेनेटिक मटेरियल आइदर इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और डीएनए एंड दे हैव अ कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. सो न्यूक्लियोप्रोटीन, यस. सो हियर इज द न्यूक्लियोप्रोटीन. It's a nucleoprotein entity which is able to utilize the synthetic machinery of the living cell. Yes, it requires a living cell in order to feed on that living cell or in order to attack on that living cell. Okay, and another organism for its multiplication. Correct, multiplication के लिए उसको host चाहिए होता है. जैसे अभी COVID-19 का situation है. Now in this situation हमने बहुत सारी चीजें virus के बारे में already समझ ली है. वायरस हमारे तक खुद नहीं पहुंच सकता है, हम उसको हमारे बॉडी में ही, हम खुद ही उसको हमारे तक लेके आते हैं. सो बेसिकली दैट इज व्हाई वी शुड फ्रिक्वेंटली वॉश आवर हैंड्स. हैंड हमें बार बार वॉश करने के इसीलिए बोला गया है बिकॉज ये चल फिर नहीं सकता है, ये अपने आप अपने नोज एंड माउथ तक नहीं आ सकता है इन ऑर्डर टू अटैक ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो हम एक ही हमारे बॉडी का पार्ट है जो कि हम हैंड से मे बी हमारे यहाँ टच करेंगे तो हमारे बॉडी में एंट्री लेके वहां अटैक कर सकता है. इसीलिए हैंड वॉश करना बहुत कंपलसरी है. एंड वंस इट टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट, वो फिर वो बॉडी को टेक ओवर कर लेता है, उसके बहुत सारी मशीनरी बना देता है. सो दैट इज द बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ वायरस. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट मतलब उनको उनका फूड लेने के लिए वायरस का लिविंग सेल से ही उनको न्यूट्रिशन लेना है, अदरवाइज दे आर इनर्ट आउटसाइड. ठीक है? सो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज एन इट इज एन इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल. बाहर वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है, इनर्ट बिहेव करता है. इनर्ट में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ इनर्ट का मीनिंग. सो वो जब होस्ट के सेल में रहेगा, लाइक सपोज वो किसी इंसान के बॉडी में है तभी वो एक्टिवेट रहेगा. बट अगर वो बाहर है, एयर में है, तो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है. सो उसको हम डेड भी कंसिडर कर सकते हैं. एंड इट इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट. ये
ऑब्लिगेट पैरासाइट है. ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स दे विल रिक्वायर ऑलवेज होस्ट सेल फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन एंड फॉर देयर फूड नीड. ओके एंड विच डज नॉट इन्वॉल्व अ ग्रोथ डिविजन. ग्रोथ नहीं करता है वो, उसको होस्ट सेल चाहिए फिर तभी उसके वायरल पार्टिकल्स जो है वो ग्रो करते हैं. एंड वन मोर थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द वायरस, दे कैन बी क्रिस्टलाइज. यस, हम उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं जितना चाहे उतना. सो इट कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर इनडेफिनेटली. द बायोसिंथेटिक मशीनरी इज एब्सेंट. उसके पास खुद का मशीनरी नहीं है इसलिए उसको रेडीमेड फूड चाहिए होता है. नो सिस्टम टू लिबरेट एनर्जी. उसके पास कोई सिस्टम नहीं है जो कि एनर्जी लिबरेट कर सके. वायरस डज नॉट ग्रो. यस, वो ग्रो नहीं होता है, रादर देन उसके पार्टिकल्स हम पढ़ेंगे अभी. जैसे प्लांट एंड एनिमल में अलग अलग कंपोनेंट का जेनेटिक मटेरियल होता है, सो वो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है. वंस दे अटैक द होस्ट दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स. इट रिक्वायर्स अ वेक्टर फॉर ट्रांसफर. यस करेक्ट, वेक्टर मतलब मैंने अभी आपको बताया, उसको कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए होता है, वो खुद चल के नहीं जा सकता. इट रिक्वायर्स अ मीडियम. एग्जाम्पल, दिस इज अ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, राइट. अभी होगा क्या, यहां से इनके बॉडी में जो वायरस है वो इधर तो चल के नहीं आएंगे, राइट. सो इट रिक्वायर्स ऑलवेज अ वेक्टर, मतलब इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू कैरी टूवर्ड्स दी हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है. सो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उनको एक मीडियम चाहिए. एंड वेक्टर मीन्स दे आर दी लाइक दे आर द कैरियर ऑफ दैट काइंड ऑफ पैथोजेनिक थिंग, ठीक है. सो इट रिक्वायर्स ऑलवेज अ वेक्टर फॉर देयर ट्रांसफर. ये स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है, स्मॉलेस्ट है ये. एंड यस, वन मोर थिंग इज दैट ये जब इनर्ट होता है तो उसको हम वायरियन बोलेंगे, ठीक है. सो दे आर द पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस. Now here we'll discuss the types of viruses. Holmes in 1948 has been divided the viruses into three types. Okay, the viruses cause harm to plant called plant viruses. The viruses which cause harm to the animal called animal viruses. And third we'll discuss after some time. So basically, plant virus means basically first of all we have to understand, like for example in terms of this year. I have mentioned the single stranded RNA here. I have mentioned the single and double stranded RNA. So first we quickly discuss the genetic material of viruses. जैसे अभी हमने पढ़ा, it has a nucleoprotein, right? So मैंने अभी आपको बताया, it has a nucleoprotein. So yes, definitely they have a protein. But protein उनका sweater होता है, याद रखिए, sweater होता है. So protein जो है, this is called as capsid. The protein coat is called as capsid. So this is protein. ये कोट के फॉर्म में होता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज कैप्सिड. हियर आई हैव मेंशन द डायग्राम ऑफ टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस. यहाँ दिया हुआ है, देखो, टोबैको मोजाइक वायरस, द शॉर्ट फॉर्म इज टीएमवी. नाउ लुक एट द डायग्राम, आपके बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में. तो यहाँ दिया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. ये आरएनए होगा बिकॉज प्लांट वुड हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज देयर जेनेटिक मटीरियल. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से भी वो हार्म कर सकता है प्लांट को. And you can see here there are cells, बहुत सारी cells है. And this whole structure is a coat and which is called as capsid. So ये protein का coat होता है which is called as capsid and which is a protective towards the virus. Now here you, if you take this cell, तो this cell is called as capsomere. इसको क्या बोला जाता है, कैप्सोमियर. सो सिंगल सेल इज कॉल्ड कैप्सोमियर एंड नंबर ऑफ कैप्सोमियर वुड फॉर्म अ प्रोटीन कोट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सिड. प्लांट वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटोफैगनी एंड दे हैव एबिलिटी टू कॉज द डिसीज टू द प्लांट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हियर आई हैव मेंशन द डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी. सो यू विल हैव अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. सो हियर पोटैटो मोजाइक वायरस, टीएमवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज टू रिमेम्बर. बनाना बंची टॉप वायरस, देन यू कैन सी टोमेटो लीफ कर्ल वायरस. दीज आर दी डिसीजेज द वायरसेज कॉज टू दी प्लांट. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि यहां मैंने आरएनए लिखा हुआ है, यहां मैंने डीएनए एंड आरएनए दोनों लिखा हुआ है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड आरएनए एंड डीएनए, दिस कंसिडर एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. वी ऑल्सो हैव अ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. बट इफ वायरस इज देयर, वायरस में या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, ठीक है. दोनों में से एक ही होगा. एक अगर इफ देयर इज आरएनए देन डीएनए शुड एब्सेंट, इफ डीएनए इज देयर देन आरएनए शुड एब्सेंट. सो आइदर ऑफ देम शुड बी देयर एज जेनेटिक मटेरियल. कभी भी दोनों भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं.
सो नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड और हियर यू हैव टू रिमेम्बर, प्लांट वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. सिंगल स्टैंडर्ड मीन्स हियर यू हैव टू राइट SS RNA. SS RNA मतलब सिंगल स्टैंडर्ड. SS स्टैंड फॉर सिंगल स्टैंडर्ड RNA. ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड. When they are causing harm to the animal, it is called as animal virus. This is also this zoonosis is also cause number of diseases to the human being. Like जैसे भी COVID-19 जो कोरोना हम बोलते हैं वो चल रहा है, so इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. So there are number of diseases. Polio है, smallpox है, फिर rabies है, hepatitis है, right? तो इबोला था, जीका था. सो देर आर नंबर ऑफ वायरसेस विच कॉज हार्म टू द ह्यूमन बीइंग. एंड इसमें देखो, इसमें या तो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए होना चाहिए. डबल स्टैंडर्ड मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, इसको आप डीएस भी लिख सकते हो. डिफरेंस है, प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से भी हार्म कॉज कर सकता है, लेकिन एनिमल में इट शुड हैव लाइक थोड़े से ऑप्शन होने चाहिए उसके पास अटैक करने के लिए. सो यस, ये है प्लांट एंड एनिमल का वायरस. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, डिवाइडेड दिस टाइप्स ऑफ वायरसेस इनटू द थ्री ग्रुप्स. यू कैन से प्लांट पढ़ लिया, एनिमल पढ़ लिया. नाउ वी सी सम ऑफ द वायरसेस कैन ऑल्सो कॉज अ हार्म टू द लोअर ऑर्गेनिज्म. सो यहां हम पढ़ेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म. वी डिस्कस द टाइप ऑफ लोअर पैरासाइटिक वायरसेस टाइप. So here I have mentioned the bacteriophage. Bacteriophage means, remember one thing, viruses have ability to attack the bacteria. वो bacteria पे भी attack करता है and this is called as bacteriophage. So यहां आप लिख सकते हो bacteria infected by viruses. Bacteria infected by virus. ठीक है. So जो ऐसा bacteria जिसको virus ने attack किया है which is called as bacteriophage. नाउ साइनोफेज. साइनोफेज में साइनो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा. सो यहाँ इन ऑर्डर टू अटैक ऑन साइनो बैक्टीरिया. फिर उसके बाद माइको, स्टडी ऑफ माइकोलॉजी हमने पढ़ा. स्टडी ऑफ माइकोलॉजी इज फंगाई. सो यहाँ होगा फंगल वायरस. ये फंगल वायरस होगा. एंड आफ्टर दैट फाइकोलॉजी. फाइकोलॉजी में स्टडी ऑफ अलगे. सो इट वुड बी अलगल वायरस. ये होगा अलगल वायरस. So basically, see, viruses have a huge diversity for their host. They can cause harm to the plant, animals and lower creatures also. So जैसे ये है उसका एक टाइप, यहाँ मैं लिख के दिया है, याद रखिए, जो बुक में भी है लेकिन यहाँ ऐसे चार्ट बनाओगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक रहेगा नोट्स में. सो हियर वी डिस्कस द सम ऑफ द यू कैन से ग्रेट साइंटिस्ट हैड वर्क ऑन द वायरसेस. So now, even before its discovery, a lot of work had been done on the viruses, right? So, उसके discovery होने से पहले ही बहुत सारा work हो चुका था. Some of the scientists were thought that कि ये poisonous fluid है. Some had just crystallized it, right? यहाँ crystallized किया था Stanley ने. So basically आपको ये समझना है, even polio and smallpox, ये दो disease है. These viral diseases know even before the like prehistoric area. मतलब ये बहुत टाइम से ये दो वायरल डिजीजेस पता है ह्यूमन बींग को. पाश्चर जो है इन्होंने 1880 में, दैट इज नॉट, यहाँ बुक में मेंशन नहीं किया है, इन 1880 पाश्चर डिस्कवर्ड द वैक्सीन अगेंस्ट द रेबीज. कंपोनेंट विच वॉज लाइक बेसिकली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग या फिर हार्मफुल फॉर द एनिमल, ही जस्ट गेव द नेम दैट इज द पॉइजनस फ्लूइड. मीन्स विनॉम पॉइजन, राइट? सो ही द डिस्कवरी वॉज गिवन बाय द पाश्चर. नाउ आफ्टर पाश्चर देर वॉज वन साइंटिस्ट, इवान स्काय, इन 1892 समवेयर द कॉजल ऑर्गेनिजम्स वर देयर एंड दीज आर द स्मॉलर देन बैक्टीरिया. सो हाउ डिड ही फाइंड आउट बेसिकली दीज आर द स्मॉलर देन बैक्टीरिया? तब तक बैक्टीरिया का इन्वेंशन हो चुका था एंड बैक्टीरिया को फिल्टर करने वाला फिल्टर उनके पास था. दे जस्ट फिल्टर्ड इट आउट विद दैट फिल्टर, और वो फिल्टर में बैक्टीरिया के साइज का बना होगा, तो वो फिल्टर से वायरसेस फिल्टर्ड आउट हो गए. इसका मतलब ये है उनको वो एक्सट्रैक्ट जो है, उन्होंने तब ऐसा कंक्लूजन किया कि ये जो पॉइजनस या फिर जो भी हार्मफुल कंपोनेंट है, दिस इज अदर देन बैक्टीरिया, गिवन बाय इवान स्काय इन 1892. नाउ नेक्स्ट इज लाइक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग,
दे हैव एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड फ्रॉम द टोबैको मोजाइक प्लांट टीएमवी, टोबैको प्लांट से उन्होंने वो जो फ्लूइड टोबैको प्लांट को हार्म कर रहा था उसको एक्सट्रैक्ट किया. ऑल्सो फाउंड आउट दैट कि ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ वेरी इन्फेक्शियस फ्लूइड. उन्होंने बोला भी है यहाँ कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम इसको बोला भी है. सो दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस लेकिन लिविंग फ्लूइड है. ठीक है, टोबैको प्लांट को जो डिसीज हो रहा था वो एक हार्मफुल कंपोनेंट से हो रहा था एंड दे जस्ट मेड द यू कैन से फ्लूइड आउट ऑफ इट. किससे? जो टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट था उससे. एंड दे जस्ट लाइक वो एक्सट्रैक्ट जो उन्होंने बनाया था उससे उनको ये पता चला कि ये बैक्टीरिया नहीं है, दिस इज द अनदर कंपोनेंट विच इज द मोर डेंजरस देन द प्रीवियस वन दैट वॉज बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये कौन से साइंटिस्ट ने नाम दिए है? एमडब्ल्यू बेंजरिन इन 1898 स्टैनले ही डिस्कवर दैट वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज. ठीक है, सो आपको ये मास्टर कॉलम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस. साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशन, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द नीट प्रिपरेशन. उसको इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है, आप भी ऐसे नोटबुक में लिख सकते हो. नाउ हियर वी विल डिस्कस द अनदर टर्म एंड विच इज कॉल्ड एज वायरॉइड्स. वायरॉइड्स जिसको बोला जाता है, नाउ दे आर स्मॉलर देन वायरसेस. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस एंड दे आर नॉट हैविंग अ प्रोटीन कोट. तो प्रोटीन कोट इज एब्सेंट. यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ वायरॉइड एंड वायरस का डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है. आपको याद रखना है वायरस के पास प्रोटीन कोट होता है, वायरॉइड दे डोंट हैव अ प्रोटीन कोट. वायरसेस के पास आरएनए या डीएनए होता है, बट इट इज सपोज टू हैव अ आरएनए ओनली, डीएनए नहीं होता है. बट देन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट इज आरएनए फ्री. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. रिमेंबर वन थिंग, आरएनए इसमें होता है बट ये बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है. इफ आरएनए इज देयर और आरएनए इज देयर, इट शुड बी अ लो मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ लिखा हुआ है इट शुड बी ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. सो ये कंप्लीटली आरएनए फ्री नहीं होता है, राइट? एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टीओडीएनआर इन 1971. सो ये ज्यादा पुराना इन्वेंशन नहीं है. ये स्मॉलर देन वायरसेस होता है. ये सबसे पहले पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जैसे उसमें उससे ये डिस्कवर्ड हुआ है. जैसे वायरसेस टोबैको प्लांट पे डिस्कवर्ड किए गए थे वैसे ये यहाँ हुआ है. इट लैक अ प्रोटीन कोट. प्रोटीन कोट ये नहीं होता है इसमें. एंड इसका एनिमल और ह्यूमन इन्फेक्शन स्टिल नॉट नोन. दे आर नॉट कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस. वो बस प्लांट्स को ही कॉज करते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमंस में डिसीज अब तक नहीं पाया गया है. नाउ वी डिस्कस द प्रियॉन्स. प्रियॉन्स मतलब दे आर द कंपोनेंट, दे हैव अ पोटेंशियल टू कॉज एनिमल्स द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, ब्रेन में हार्म क्रिएट करता है ये. ये ऐसा क्यों होता है? दिस इज नॉट कॉज बाय एनी आउटसाइड इन्फेक्शियस मटेरियल. ये किसी भी बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट से कॉज नहीं होता है, वायरस बैक्टीरिया से कभी नहीं होता है. सो ये प्रोटीन जो फोल्डेड होना चाहिए, बेसिकली हमारे बॉडी में प्रोटीन जो डाइजेस्ट होता है या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपरली फोल्डेड फॉर्म में होना चाहिए. बट समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. और ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जिसको आप याद रख सकते हो आपके कन्वीनियंस के लिए. इट्स इन्फेक्टेड प्रोटीन बट नॉट इन्फेक्टेड बाय एनी आउटसाइडर इन्फेक्शियस एजेंट. ये खुद ही खुद में एरर कॉज करता है. एंड दिस कॉज अस द नंबर ऑफ डिसीजेस टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस, राइट? जैसे पहला डिसीज है मैडकाउ डिसीज. मैडकाउ डिसीज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी. सो ये जो है ये डिसीज बीएसई इसको बोला जाता है, मैडकाउ डिसीज. काउ जो है उनके अगर बॉडी में वो जो प्रोटीन है फोल्ड ठीक से नहीं होता है तो दे आर लाइक दे बिकम अ वेरी एग्रेसिव इन नेचर और इसीलिए उनको मैडकाउ बोला जाता है. एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन में भी ये डिसीज कॉज करता है, जैकब डिसीज और कुरू डिसीज, राइट? अभी यहाँ लिखा हुआ है सीआर. आप मुझे बताओगे सीआर का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सीआर स्टैंड फॉर वॉट? एंड येस दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रोटीन. ठीक है, ये अभी अभी सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया है. सो बेसिकली याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वी डिस्कस द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज द लाइकेन्स. ठीक है, सो लाइकेन बेसिकली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएचर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ पोल्यूशन इंडिकेटर. ठीक है, सो ये जहां बहुत क्लीन एनवायरमेंट होगा वही ग्रो होता है, पोल्यूशन होता है वहां ये ग्रो नहीं होता है. तो कभी फ्यूचर में आपको लाइकेन कहीं दिखाई दिया तो समझ जाना वो सबसे क्लीनेस्ट एनवायरमेंट की जगह है, बिकॉज ये कभी पोल्यूशन को टॉलरेट नहीं करता है. ठीक है, सो नाउ लाइकेन बेसिकली इट इज अ एसोसिएशन ऑफ टू कंपोनेंट. सो लाइकेन फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स. ठीक है,
सिम्बायसिस मतलब दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होगा वहां ऐसा. सो लाइकेन्स हैव अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ टू कंपोनेंट्स राइट, बिकॉज दोनों भी उसमें दोनों को भी बेनिफिट मिलने वाला है. फर्स्ट कंपोनेंट वुड बी अल्गे एंड अनदर वुड बी फंगाई राइट. सो द अल्गर एंड फंगल कंपोनेंट वुड बी एसोसिएटेड इन सच वे दैट दे विल फॉर्म अ लाइकेन राइट. सो अल्गल कंपोनेंट प्लस फंगाई फॉर्म्स अ लाइकेन. आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का क्या रोल होता होगा. सो अल्गे एज वी ऑल नो अल्गे आर ग्रीन इन नेचर, दे हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट. सो दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ऑटोट्रॉप्स होंगे बिकॉज दे कैन एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो इसमें क्लोरोफिल होता है एंड दे कैन फोटोसिंथेसिस राइट. सो ऑटोट्रॉप्स है, उनमें क्लोरोफिल है. See, they have a chlorophyll pigment so that they can perform a photosynthesis and in that way they are autotrophic in nature. So, ये किस चीज के लिए use होगा वहां? Yes, ये क्या बनाएगा? Food. ये उस association में food prepare करने का काम करेगा. But as we all know, fungi तो food prepare करता ही नहीं है. Fungi heterotrophic है. Fungi are heterotrophs. So, fungi का role क्या होगा? Fungi shelter provide करेगा. ठीक है? सो फंगाई का रोल उसमें होगा शेल्टर का. ओके, सो अल्गे वुड प्रोड्यूस अ फूड एंड फंगाई प्रोवाइड अ शेल्टर एंड फंगाई हैज अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट व्हिच इज कॉल्ड एज हाइफा. एंड हाइफा जो है ये वाटर को होल्ड करके रखेगा, एट द सेम टाइम ये वाटर एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट. सो इन दैट वे बोथ आर बेनिफिशियल इन दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड दिस इज कॉल्ड एज लाइकेन. सो एज वी ऑल नो फंगाई, द मेंबर ऑफ फंगाई और द स्टडी ऑफ फंगाई नोन एज माइकोलॉजी. सो वेन एवर देर इज अ फंगल मेंबर इन दैट एसोसिएशन विच इज कॉल्ड एज माइकोबियट एजेंट. माइको मीन्स स्टडी ऑफ फंगाई. सो वेन एवर देर इज अ फंगल एजेंट इन दैट एसोसिएशन वी शुड रेफर टू एज अ माइकोबियंट. एंड यहां हम रेफर करेंगे फाइकोबियंट. फाइकोबियंट मीन्स स्टडी ऑफ अल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी. So whenever we have to consider the algal member in that association, the members are called as phycobiont agent. Okay? So in a way, algae would produce a food and fungi would produce a shelter. So दोनों को benefit होता है और ये एक बहुत ही बड़ा pollution indicator है. Today we have discussed almost viruses, viroids, prions and lichens. If any doubt, you can let me know. See you in next session. Thank you.